So let's continue the reading and see what we can find out about Sushant and Kriti Sanon's relationship, the compatibility relationship, okay? So gods, goddesses, angels, archangels, spirit gods, spirit guides. My dear friend, your spirit of old, my dear guardian angels, please tell us anything that you want us to know about Sushant and Kriti Sanon's relationship. We thank you for the divine guidance and blessings coming for us for this reading. Thank you so very much. Okay. Four of Cups in reverse, which means that Sushant was very happy with this relationship. He was content with this relationship. There was no dissatisfaction as whatever. Though he had moved on from Ankita to Kriti, he was mostly happy with this relationship. Let's see what Kirti wanted. Okay, so this is coming really strongly. If you have been following my reading on the series, we have seen that in Kirti's reading, loudly the पेंटिकल पार्ट हैड कम अलॉट, बहुत ही ज्यादा उनके रीडिंग में पेंटिकल्स आता है. पेंटिकल्स विच इज योर वर्ल्डली अफेयर्स, विच इज योर मटीरियलिस्टिक थिंग्स, विच इज योर नाम, पैसा, शोहरत, मनी, नेम, फेम, लाइफ स्टाइल, स्टाइल, उम्फ, फ्लैम्बोयंस, ये सब चीज जो है वो बार बार कीर्ति के रीडिंग में आ रहा है. और हम लोग पहले भी, हम लोगों ने बात किया है कि हाउ शी इज वेरी स्टाइलिश, और वो बहुत, बोथ ऑफ देम वर फ्रॉम वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, एंड वहां पे एक वेवलेंथ उनका मैच नहीं कर पा रहा था. सो दे वर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट. ओके, सो व्हाइल अब देखो कि सुशांत का जो एक्सपेक्टेशन कीर्ति से है ये अपसाइड है. सो ही इज वेरी हैप्पी विथ हर, ही इज इमोशनली कंटेंट विथ हर. ओके, एक कप का साइन है, एक इमोशंस था उनके लिए. सुशांत हैड अ स्ट्रांग फीलिंग फॉर हर. ओके, इमोशनल फीलिंग था उनके लिए, जबकि कीर्ति का एक्सपेक्टेशन सुशांत से बिल्कुल अपोजिट है. इट इज मोर अबाउट मनी, इट इज मोर अबाउट अ वेरी लाइवश लाइफ स्टाइल, अ स्टेबिलिटी, यू नो, एक दिस इज अ रीडिंग ऑफ यू नो फाइनेंशियल अबंडेंस, अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ लेगेसी. तो कहीं ना कहीं एक ये भी है कि वो एक छोटे टाउन से आए थे और उनका एक बैकग्राउंड ऐसा नहीं था जहाँ पे यू नो ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम, जैसे निपोटिज्म बोलते हैं कि ही इज नॉट फ्रॉम, दो ही वॉज वेरी ब्रिलियंट एंड ही वॉज फ्रॉम, बट ही वॉज फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली एंड शी वॉज मे बी यू नो लुकिंग आउट फॉर मोर मनी, मोर स्टेबिलिटी, मोर स्टारडम. तो शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मे बी सुशांत बिकमिंग मोर सक्सेसफुल इन हिज करियर, to take the relationship ahead or whatever, but this is her expectation of Sushant. She wanted more money, more stability, more fame, that kind of a thing. Their similarities kya tha? Okay, so similarities were that both of them were very free souls. Okay, ये opposite है again. तो they were both free souls थे. They were doing good in their lives. They had a quite a they had achieved quite a stability in their life, in their career, and they were very open-minded. They were very progressively thinking. एक जो होता है वो उनका मैच करता था, एक थॉट प्रोसेस उनका मैच करता था. और डिफरेंसेस देखते हैं क्या है. वाह, द लवर्स इन रिवर्स इज देयर डिफरेंसेस. सो दिस इज व्हाट इट इज, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इट हैज कम. सुशांत was very happy with this relationship. He was emotionally content with this relationship. Kriti wanted more financial stability. एक legacy उनको चाहिए था, एक जो एक style होता है, एक उम्फ होता है, वो उनसे expectation था उनका. उनको लगता था कि maybe you know सुशांत is still struggling and she is not ready to commit. She wants to see how things go. Okay? तो यहाँ पे उनका differences आता है. ठीक है, सुशांत को लगता था कि शी इज हिज ड्रीम गर्ल. ठीक है, बट कृति को ये नहीं लगता था. ओके, शी वॉज स्टिल नॉट, शी हैड स्टिल नॉट डिसाइडेड, शी स्टिल वॉज फिगरिंग थिंग्स आउट, शी स्टिल वॉन्टेड टू वेट एंड वॉच हाउ थिंग्स गो बिटवीन दैम. सो शी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट दे वर सोल पार्टनर्स येट, बट दैट वॉज द मेन डिफरेंस बिटवीन देयर रिलेशनशिप.
Mental compatibility is super awesome, guys. Ace of Pentacles. They were very similar when it came to thinking. Jo thought process unka tha, which was all about, they all came at the same time in the film industry. They started their career together almost on an average. So both of them were, यहाँ पे भी है कि देवर वेरी एक मेंटल वेवलेंथ उनका मैच करता था. इमोशनल मैच ना करे पर एक मेंटल थॉट प्रोसेस सेम था. दे हैड द सेम थॉट प्रोसेस. दे यूज टू थिंक इन अ सेम वे. दे हैड क्रिएटेड लिटिल स्टेबिलिटी फॉर देमसेल्व्स आफ्टर वर्किंग फॉर इन अ फ्यू मूवीज और लाइक दैट. थोड़ा सा नेम उनका बोथ ऑफ देम का हो गया था. अब यहाँ पे मेंटल स्टेबिलिटी में क्या देखिए कि उन लोग का दे बोथ यूज टू थिंक इन अ सेम वे दैट येस वी हैव टू मेक वी हैव जस्ट स्टार्टेड आवर करियर. वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे इन दिस करियर. एंड देर इज अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स इफ यू सी फॉर बोथ ऑफ देम. बोथ ऑफ देम वर डूइंग गुड इन देयर लाइफ्स. ओके सो बोथ ऑफ देम वर बेसिकली थिंकिंग फोकस वॉज ओनली ऑन देयर करियर. उनके करियर पर ही उनका फोकस था. ठीक है. और तुरंत उन लोगों ने स्टार्ट किया था तो डेफिनेटली उनका फोकस करियर पे ही था. मनी पे था. एक स्टेबिलिटी पे था जो आप यहाँ पे देख रहे हो. तो यस मेंटली तो वो लोग बहुत फोकस थे अपने करियर पे बोथ ऑफ देम. ओके सो यहाँ पे ये फिजिकल कंपैटिबिलिटी है. फिजिकल कंपैटिबिलिटी में आप देखो तो यहाँ पे टेम्परेंस उल्टा आया है विच क्लियरली मीन्स कि यहाँ पे एक पेशेंस का कमी था. ओके हमने पहले वाले रीडिंग में भी देखा है कि दे हैड अ वेरी पैशनेट रिलेशनशिप. फायर्स फ्लाइंग वेरी वेरी सोलर प्लेक्सस वॉज समथिंग दैट हैड कम आउट. सो दिस इज अ सोलर प्लेक्सस इज अ एनर्जी चक्रा जहाँ पे आपके जो इट्स बेसिकली रिलेटेड विथ योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड योर सेक्शुअल डिजायर्स एंड योर फिजिकल प्रॉक्सिमिटीज एंड सच स्टफ्स. तो उनका भी ये था. तो फिजिकल कंपैटिबिलिटी में वहाँ पे उनका देवर वेरी पैशनेट लवर्स आप कह सकते हो. एंड दे वर वेरी इम्पेशेंट ऑल्सो. एंड दे रियली यूज टू काइंड ऑफ नहीं दे यूज टू गेट अलॉन्ग लाइक फायर आप कह सकते हो. ओके मेंटल कंपैटिबिलिटी देखते हैं. मेंटल कंपैटिबिलिटी में आपका हाई प्रीस्टेस इज इन द रिवर्स ऑर्डर. इमोशनल कंपैटिबिलिटी सॉरी मेंटल कंपैटिबिलिटी इज दिस वेयर दे आर लुकिंग फॉर वेयर दे थिंक्स टुगेदर वेयर दे आर थिंकिंग अबाउट द मनी पार्ट. मनी इज ऑन देयर माइंड्स. When I'm saying this, I'm not saying in a negative way. What I mean is that they have their career on their minds. They just started at the same time in the film industry and they were thinking that they have a long way to go. Or they should focus, and they were completely focused on their career, on new opportunities, on making big in life, because they know that this is a very cutthroat competition and they must focus on their career. So mental wavelength unka wahi tha. They were all thinking in the same direction. Unka ambitions same tha. फिजिकल में या दे वर बिट इम्पेशेंट थे. वो दे यूज टू गेट ऑन फायर एंड दे वर वेरी पैशनेट लवर्स. बट थोड़ा सा यहाँ पे एक कैरिड अवे आप बोल सकते हो कि कैरिड अवे हो गए. या फिर आप कह सकते हो कि दिस इज लाइक बिकमिंग द सेंटर ऑफ देयर यूनिवर्स और समथिंग लाइक दैट. अब इमोशनल कार्ड में आपका आया है इमोशनल कार्ड है. इमोशनल कंपैटिबिलिटी में यू हैव अ वेरी सीक्रेटिव कार्ड ऑफ द टैरो व्हिच इज हाई प्रीस्टेस. नाउ हाई प्रीस्टेस इज समबडी हु इज हु कीप्स लॉट ऑफ हिडन मिस्ट्रीज विथ हर. हु कीप्स अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स विथ हर. लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच इज नॉट एक्सपोज्ड और नोन टू एवरीबॉडी. तो इसका मतलब यही है कि उनका जो इमोशनल कंपैटिबिलिटी है ना ये
हमको नहीं पता है, इट वॉज ऑल हिडन अंडर, इट वॉज ऑल हिडन, और नोबडी वो रियली न्यू अबाउट दिस, और किसी को पता नहीं है। उनके भी रिलेशनशिप में ना इमोशनल कंपैटिबिलिटी आप बोल सकते हो कि एक उनको भी पता नहीं था कि है कि नहीं है, या फिर दे आर प्लेइंग विद इच अदर और इट्स जस्ट अ कैजुअल फ्लिंग है, या फिर क्या है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट है मूवी को प्रमोट करने के लिए, या जो भी बोलो। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि इमोशनल, यहाँ पे जो इमोशनल कार्ड आया है इज वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेटिव कार्ड ऑफ टैरो, विच इज ऑल अबाउट हिडन ट्रूथ्स, इट इज अबाउट मिस्ट्री, इट इज अबाउट कीप यू गेसिंग, और इसका आंसर्स पाने के लिए आपको यू हैव टू गो डीप इन टू द लेयर्स, ठीक है। तो इमोशनल कंपैटिबिलिटी उनका क्या था, शायद उनको भी नहीं पता है, हमें भी नहीं पता है कि क्या था, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन दे वर नॉट सीइंग ईच अदर एंड दे हैड ब्रोकन ऑफ, विच वॉज नॉट इवन ऑफिशियल, सो वी नेवर न्यू वॉट दिस रिलेशनशिप वॉज ऑल अबाउट। तो दिस इज वॉट द रीडिंग इज अबाउट। इफ यहाँ पे भी आप देखो कि अंडर करेंट जो इस रीडिंग का कंपैटिबिलिटी का है, इट इज ऑल अबाउट इक्वल गिव एंड टेक ऑफ मनी, यू नो बोथ ऑफ देम वर लाइक, इट्स आप कह सकते हो कि इट्स लाइक, इट्स मोर लाइक फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स जो होता है कि ठीक है, यू नो समथिंग लाइक दैट, इक्वल गिव एंड टेक, बोथ ऑफ देम वर फाइन विद द अरेंजमेंट, आप ऐसा कह सकते हो। बट वी डेफिनेटली सी सुशांत वॉज रियली इंटरेस्टेड इन दिस रिलेशनशिप, ही वॉज इमोशनल अबाउट दिस, ही वॉज इमोशनली कंटेंट अबाउट दिस रिलेशनशिप, बट कृति वॉन्टेड अ लिटिल मोर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, शी वॉन्टेड टाइम टू लुक वेट एंड वॉच हाउ देयर रिलेशनशिप गोज एंड दैट काइंड ऑफ अ थिंग, और डेफिनेटली एक मेंटल स्टेटस उनका सेम था, यू नो मेंटली वो एक तरह का सोचते थे, दे वर बोथ एम्बिशियस, दे वर बोथ फोरसाइटेड, दे वांटेड टू अचीव समथिंग इन लाइफ, दे वर बोथ एम्बिशियस एंड दे वर रियली फोकस्ड ऑन देयर करियर एट द बिगिनिंग, बिकॉज वो बिगिनिंग उनका दिमाग जो था बिल्कुल दे वर फोकस्ड ऑन देयर करियर, विच इज गुड। डेफिनेटली वी आर नॉट जजिंग पीपल राइट और रॉन्ग हियर, आई एम जस्ट रीडिंग द कार्ड्स, एंड पैशनेट थे बहुत ज्यादा, दे वर वेरी, दे यूज टू गेट ऑन ईच अदर फिजिकली लाइक अ फायर, दे वेरी पैशनेट कपल, ओके, बट इमोशनल लेवल पे वी आर स्टिल, वी आर वी दिस हैज रिलेशनशिप हैज केप्ट अस गेसिंग, बिकॉज द वे व्हेन इट स्टार्टेड व्हेन इट एंडेड वी हैड नो आइडिया, वी हैड नो क्ल्यू, राइट, इट स्टार्टेड विद द मूवी प्रमोशन एंड इट एंडेड विद इन द एयर, सो यस दिस इज व्हाट द कार्ड्स आर टेलिंग अस गाइस। Do let me know what you feel about the reading and I'll see you again.